हेलो दोस्तों नमस्ते वेरी गुड मॉर्निंग तो काफ़ी गैप हो गया है मुझे ब्लॉग डाले हुए सोच मैं ये वाला ब्लॉग डाल देती हूँ आपके लिए तो हम लोग गए थे ट्रिप पे सोची थी कुछ वीडियो शूट कर लो बट तो पॉसिबल नहीं हुआ बच्चों के साथ में तो यहाँ पे घर पे आने के बाद ट्रिप ट्रिप पे गए थे हम लोग रामेश्वरम के लिए तो घर पे आने के बाद घर की वही क्लीनिंग वगैरह थोड़ा बहुत काम हुआ उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट किया वीडियो शूट करने के बाद शुरू ने मोबाइल पानी में डाल दिया था फिर वो एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ गया था उसके बाद मोबाइल ठीक हो गया फिर मैंने एडिट करके आपके लिए डाल दिया तो अर्ली मॉर्निंग से मैं ये मैंने मेरा जो ब्लॉग है स्टार्ट किया था अराउंड मतलब छः बज के दस मिनट कुछ हो गए थे तो वही मेरा पहला काम होता है कि दूध के पैकेट उठाना तो आज ना सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रखी थी और देवांश की ना आज से एग्ज़ाम चालू है तो मतलब वही प्रॉब्लम जैसे कि हम लोग उसे स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं यानी कि ड्रॉप करने के लिए जाते हैं तो वही लग रहा था कि बारिश तो इतनी है मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रखा था तो वही थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है मतलब कोल्ड हो रहा है तो बस यहीं पे मैं दूध लेके आ गई थी दूध गर्म करने के लिए रख दूंगी क्योंकि देवांश को भी दूध देना होता है उसे मैं आज दूध तो नहीं दे दूँगी अदरक और थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के चाय तो नहीं बट थोड़ा सा चाय पत्ती डाल के अदरक थोड़ा ज़्यादा डाल के उसे दे दूँगी पीने के लिए तो बस यहाँ पे आज देवांश के टिफिन के लिए बना रही हूँ मैं डोसा मैंने कल ही राइस सोख करके रखा था नाइट में बैटर निकाल के रखी थी आ, लगा था मतलब वही बैटर अच्छी तरह से मतलब फूलेगा या नहीं बट मैंने थोड़ा सा मतलब नीचे वाले सेक्शन में रख दिया था बैटर तो अच्छी तरह से अब बैटर जो है ना फूल गया था और यहाँ पे मैंने चटनी भी बना ली है सिंपल सी मैंने कोई रेसिपी चटनी की शेयर नहीं की है क्योंकि मेरे लास्ट टू लास्ट मतलब लास्ट जो भी मैंने ब्लॉग शायद एक या दो ब्लॉग में मैंने चटनी की रेसिपी शेयर की थी ये मैंने सिंपल सी चटनी और ग्राम फ्लोर की आ, चटनी बनाई है और आप देख सकते हो मैंने बैटर कहाँ पे रखा था क्योंकि यहाँ पे थोड़े से गर्माहट रहती है तो बैटर को तो गर्माहट ही चाहिए मतलब ऊपर रखती मैं काउंटर टॉप के ऊपर तो इतना अच्छा बैटर जो है फूलता नहीं आप देख सकते हो कितना अच्छी तरह से बैटर फूल के रेडी हो गया एकदम डबल हो गया था मेरा बैटर और आप देख सकते हो मतलब जैसे मैंने जो रेडीमेड बैटर आता है ना यहाँ पे तो मैं मोस्टली जैसे कि बेंगलुरु में मोस्टली घरों में मतलब रोज ही डेली ही डोसा हो गया इडली हो गया या फिर आप हो यही बनते हैं नाश्ते में तो हम लोगों को तो मतलब इतना रोज़ खाया नहीं जाता है बट देवांश को पसंद आता है साउथ इंडियन डिशेस जैसे डोसा इडली हो गया वडा हो गया तो मैं बनाती हूँ हमारे घर में भी पसंद आता है मुझे स्टार्टिंग में तो इतना मतलब डोसा अच्छे से नहीं बनता था बट अभी अच्छा बन रहा है तो मैं बनाती भी हूँ मतलब एक महीने में तीन चार बार तो हो ही जाता है क्योंकि देवांश स्कूल जाता है तो टिफ़िन के लिए रोज़ मतलब वही टेंशन रहता है कि क्या बनाओ तो डोसा कभी इडली हो गई कभी आपे हो गई ये सारी चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ और आप देख सकते हो मैंने दोस्त के लिए मतलब आज जितना बैटर हमें सफिसियंट था उतना बैटर निकाल लिया है और दूसरा बैटर मैंने वैसे ही रख दिया था वो एयरटाइट कंटेनर में डाल के मैं बाद में फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी ज़्यादा दिन तो मैं यूज़ नहीं करती नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे तक दो तीन दिन तक यूज़ कर लेती हूँ और कल ना क्या हुआ कल शाम को ही मैं ना कपड़े देवाश का जो भी यूनिफॉर्म होता है वो प्रेस करके रख देती हूँ बट थोड़ा बच्चों की आजकल तबीयत भी ठीक नहीं चल रही दोनों को भी कोल्ड है देवांश को तो खांसी भी है और शिव को भी कोल्ड है इसी वजह से बच्चे थोड़ा सता भी रहे हैं तो मेरे दिमाग से निकल गया कि मतलब देवांश का यूनिफॉर्म प्रेस करना था और दूसरे दिन ये सारी चीज़ें ना मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चे स रहे तो और भी मुश्किल रहता है और आप देख सकते थे मतलब जैसे ही मैं दूध पैकेट उठाने लेके गई श्री मेरे साथ ही था मतलब मैं जब जल्दी उठूँ या लेट उठू शिव साथ में ही उठ जाता है और उसे उसे यही रहता है कि मेरे पीछे पीछे रहना पड़ता है मतलब उसे यही सुबह के टाइम पे ही उड़ ज़्यादा करता है बाद में तो इतना नहीं सताता है और थोड़ा सा ऊपर से उसे कोल्ड भी है मौसम भी इतना ठंडा हो रखा है ना वो तो मतलब बड़े लोगों को तो प्रॉब्लम है ये तो बच्चे हैं मैंने थोड़ा सा आपको दिखा भी दिया था कि मतलब बाहर का व्यू जैसे मैं दूध पैकेट उठा ले के लेके आ गई उसके बाद थोड़ा सा बाहर का शूट किया था और बस यहाँ पे मैं देवांश को देवांश का यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दूँगी और उसे बात भी देनी है बात दे के ले के आ जाऊँगी और उसे रेडू कर रेडी कर दूँगी उसके बाद जो है ना मैं किचन में जाके जो भी मेरा बाकी का काम है वो कंप्लीट करूँगी तो यहाँ पे देवांश को बात दे के आ गई थी बोला कि बेटा लेट हो रहा है खुद से पहन लो यूनिफॉर्म पहन तो लेता है वो पर थोड़ा टाइम लगाता है और, और थोड़ा मैं लेट भी चल रही थी इसीलिए मैंने बोला कि तुम पहन के जल्दी से बाहर आ जाओ और मैं आपको ये वाले जो टिफ़िन बॉक्सेस दिखा रही हूँ ना ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और मैंने एक ब्लू वाला एक और ग्रीन वाला एक ऑर्डर किया था मैंने पहले ग्रीन ऑर्डर किया ग्रीन रिसीव होने के बाद ये मैंने ब्लू वाला भी ऑर्डर किया था मैं सोच के मतलब जो जिसकी क्वालिटी अच्छी है जो देवांश को पसंद आएगा वो रख लूँगी बट क्या हुआ ना ये ब्लू वाला जो बॉक्स है इसका थ्री डेज़ का ही रिप्लेसमेंट था बट मेरे दिमाग से निकल गया वो रिप्लेसमेंट का तो देवांश को तो ग्रीन पसंद आ गया था मुझे भी ग्रीन पसंद आ गया और वो रिप्लेसमेंट का चला गया इसलिए मुझे ब्लू भी रख के ही लेना पड़ा बट दोनों भी अच्छे हैं काफ़ी अच्छे हैं क्वालिटी भी अच्छी है तो बस यहाँ पे मैं डोसे बना रही हूँ ये मेरा पहला डोसा है इसलिए मैं पहला डोसा छोटा ही डालती हूँ मतलब ब, मैं बोलती हूँ मतलब एकदम एक एक दो बार स्प्रेड कर देती हूँ बट पता नहीं मेरा डोसा ना थोड़ा सा ही डाले तो मतलब बड़ा ही बन जाता है वो मेरा मतलब हाथ में ही आ गया है तो बस यहाँ पे डोसा बना रही हूँ और शिव को थोड़ा सा मतलब खाने के लिए दिए थे वो खाकरा करके वो उसे थोड़ा सा दे देती हूँ तो टाइम पास कर मतलब टाइम निकल जाता है उसमें थोड़ा सा वो एंगेज रहता है नहीं तो मुझे ही ले लो करके बोल बोलता रहता है तो बस यहाँ पे मैं डोसा बना लूँगी मैं क्या करती हूँ ना देवांश रेडी होने के पहले ही टिफ़िन बना के रख देती हूँ बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना मतलब बना के रखे तो अच्छी नहीं रहती और उसे थोड़ा सा कोल्ड भी है थोड़ा गरम गरम खाए तो अच्छा रहता है और वो मतलब ठंडा खाता भी नहीं है देवांश सुबह में तो खाता ही नहीं है तो बस यहाँ पे एक डोसा दे बना के स्टार्टिंग का मैंने उसे दे दिया था और बाद में ये दो दोसे बना के रख दिए थे मैं उसका टिफ़िन बॉक्स पैक करूँगी दो दो डोसे दे दूँगी मतलब वो एक डेढ़ खा लेता है हाफ वगैरह वो रख देता है अगर उससे ज़्यादा भूख लगे तो वो खा लेगा करके मैंने मतलब एकदम पतले से ही है जा... मतलब बड़े दिख रहे बट थोड़े से बैटर के मैंने डोसे बनाए बड़ा डोसा है इसीलिए मतलब थो, थो, थोड़े बैटर से मैंने बड़ा डोसा बना दिया था तो बस यहाँ पे डोसे बन के रेडी है और आज का बैटर कलर कलर भी काफ़ी अच्छा आ रहा था डोसे दोस, डोसे में आप तो देख ही सकते हो और ये वाला डोसे का तवा है ना काफ़ी पुराना है मेरा मतलब थोड़ा सा नॉन स्टिक का है इसीलिए थोड़ा सा खराब भी हो गया है बट uh, ये मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि जैसे पुराना तवा हो जाता है ना डोसे का और अच्छे डोसे दो, बन के रेडी हो जाते हैं इसीलिए मुझे मतलब मन ही नहीं होता और महीने में मुझे क्या दो तीन बार ही काम पड़ता है डोसे के तवे का मैं सिर्फ डोसा बनाने के लिए इस तवे का यूज़ कर लेती हूँ और बस यहाँ पर मैंने देवांश का देवांश के लिए टिफ़िन पैक कर रही हूँ उसे दो डोसा दो, दो, पैक कर दे और ये चटनी डाल दूँगी थोड़ी सी का टिफिन जो है ना पैक करके रख दिया था और यहाँ पे आ गई थी उसके सॉक्स डाल रही थी वो ड्रेस व्रेस सब पहन के बैठ गया था सॉक्स डालने के लिए नहीं आता है उसे एंकल लेंथ तो डाल रहता है बट ये वाले सॉक्स है ना लॉन्ग सॉक्स थोड़े से वॉश करने के बाद ना एकदम मतलब टाइट जैसे हो जाते हैं तो उसे डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो मैं ही डाल देती हूँ और देवांश जाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में और मेरा जो भी बचा हुआ काम है वो कर लेती हूँ पहले क्योंकि इस देवांश जाने के बाद स्टार्ट होता है घर के सारे काम तब तक तो कोई भी काम नहीं हो पाता है मतलब वही बच्चों का ही चलता रहता है कुछ ना कुछ वो जाने के बाद देवांश जाने के बाद ही थोड़ा सा मतलब <laughs> सुकून मिलता है और आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था मुझे मतलब देवांश को भेजने के लिए Uh, मतलब देवांश को भी थोड़ा सा रेडी करना शिव भी थोड़ा सा सता रहा था कोल्ड की वजह से तो दोनों को भी मैंने उठने के बाद विक्स वगैरह लगाया शिव को थोड़ा सा शांत किया इसमें थोड़ा सा टाइम चला गया था और यहाँ पे बेंगलुरु में जैसे ये ट्रैफिक का ब, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है घर से निकलने के लिए पाँच मिनट लेट हो जाए ना तो आगे जा स्कूल पहुंचने के लिए दस मिनट लेट हो जाता है इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वो पाँच मिनट पहले ही निकल जाए क्योंकि वो आराम से जाता है सुबह में तो उसके पा, पापा ही ड्रॉप करके आ जाते हैं स्कूल पे यहाँ से लगभग ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप करके आने के लिए बीस मिनट लगता है अगर थोड़ा लेट हो जाए ट्रैफिक मिल जाए तो तीस चालीस मिनट पैंतालीस मिनट में लग जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारा किचन क्लीन करके रखा था मतलब जितने भी मेरे यूटेंसिल थे सारे क्लीन करके रखे हुए थे एक बड़ा वाला जो बर्तन का स्टैंड होता है ना वही भर गया था और मैंने गैस स्टोव भी अच्छे से साफ कर लिया किचन काउंटर भी साफ़ कर लिया था मतलब देवास जाने के बाद वही होता है कि मैंने मतलब चाय बना ली हस्बैंड के लिए मेरे लिए शिव के लिए थोड़ा सा दूध गर्म करके दे दिया था बाद में डोसे भी बना दिए सब लोगों का नाश्ता भी हो गया था शिव को भी मैंने खिला दिया था उसके बाद का मैंने ये ये वाला क्लिप है तो यहाँ पे मेरा जो भी दूध था कल का उसकी जो मलाई है वो मैं निकाल के रख देती हूँ वो रात भर मैं फ्रिज में ही रखती हूँ पतीला और दूसरे दुस, दिन सुबह में मॉर्निंग में ही उसकी मलाई निकाल के रख देती हूँ तो बस यहाँ पे जो दूध है वो मैं थोड़ा सा गर्म करके दूसरे वाले छोटे वाले बर्त बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी और ये वाला पतीला दूध का जो है ना वो भी क्लीन करके रख दूँगी तो बस यही होते हैं सुबह के काम मतलब जितना जल्दी हो पाते उतना जल्दी करने की कोशिश करती हूँ मैं तो ये वाला जो मतलब क्लिप है ना मंडे का है मंडे की सुबह का तो आज मेरे हस्बैंड का तो छुट्टी भी है मतलब अप लिया हुआ है उन्होंने सैटरडे संडे काम होता है उनका तो वो पॉम्प अप ले लेते हैं वीक में एक बार दो बार तो मैं मतलब काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि फ़ैन क्लीन करने का काफ़ी ख़राब हो रखे हैं मतलब मेरा तो हाथ चेयर के ऊपर खड़े होके भी ऊपर नहीं जा पाता है तो उनको ही मतलब साफ़ करना पड़ता है तो मैं बोल रही थी कि कब से मतलब साफ़ करके दो उतना फ़ैन इसीलिए मैंने मतलब झाड़ू तो मार लिया था मुझे नहीं लग रहा था कि वो साफ़ करेंगे इसीलिए मैंने झाड़ू भी मार के ले रखी मार के रखा था घर को तो बाद में वो बोले कि मतलब साफ कर दूंगा करके तो मैंने ये वाला उशन कुशन दी दि, कवर दिया था उनको कि इससे साफ़ कर लो तो इसमें ही जो भी कचरा है फ़ैन का वो जमा हो जाएगा नीचे नहीं गिर गिरेगा फ्लोर के ऊपर तो उन्होंने फ़ैन साफ करके दे दिया था मतलब सिर्फ चेयर के ऊपर खड़े होकर फ़ैन साफ़ करते मतलब बाकी का जो भी काम है तो मुझे ही करते बस उतना ही बहुत हो होता है तो बस यहाँ पर सारा घर मैंने मॉप करके ले लिया था उसके बाद बाहर का भी एरिया जो होता है ना वो भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे भी दिन भर जो है ना बाहर आते जाते खेलते खेलते रहते हैं तो मतलब सुबह में काफ़ी अच्छा लगता है इत, आ, मतलब घर एकदम पॉजिटिविटी से भर जाता है अगर आप अच्छे से घर को रखो मैनेज मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है मतलब मेंटेन करने के लिए घर को घर को बट मुझे कोई बात नहीं मुझे मतलब एकदम मन खुश हो जाता है आ, टाइम गया तो भी मतलब उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है हम लोगों को तो बस एज अ हाउस मेकर ये वाले सारे काम करना मुझे पसंद भी है और यहाँ पे मैंने दीवान के ऊपर ना शिव जल्दी उठ गया था तो थोड़ा उसने आधा घंटे के लिए नैप ले ली थी तो वो मतलब खाते खाते मैंने उसे थोड़ा सा टीवी लगा के दिया था तो वो टीवी देखते देखते यहाँ पे दीवान के ऊपर सो गया था तो मैंने उसे ब्लैंकेट ला के उसे ब्लैंकेट ब्लैंकेट मतलब उसे ब्लैंकेट से उसे ढक दिया था श्रीयू को तो बस वही वो उठ गया था और जैसे कि हस्बैंड का छुट्टी है आज वॉप अप है तो आज थोड़ा सा मॉर्निंग में उनकी मतलब हेल्प हो जाती है जिस दिन छुट्टी होती है तो बस यहाँ श्री उन्नी के पास था और तब तक मैंने बात ले ली थी और यहाँ पे मैं जो भी मेरी डेली यूज़ की पूजा होती है डेली रूटीन की वो पूजा मैं आज कर रही हूँ आज जैसे कि सोमवार है हमारे यहाँ पे शिव जी को ज़्यादा मानते हैं तो मैं सोमवार को जो है ना शिव जी की आरती वगैरह रहती है लगभग मुझे बीस पच्चीस मिनट लग जाते हैं पूजा के लिए तो बस वही पूजा करके आ गई थी यहाँ पे किचन में लंच का तो टाइम नहीं हुआ था बट शिव भी थोड़ा सा शांत था खेल रहा था, था तो सोची तब तक मतलब थोड़ा सा लंच बना के रख देती हूँ दाल बना के रख देती हूँ क्योंकि शिव आजकल थोड़ा सा दाल खाना पसंद कर रहा है नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बच्चों को खिलाने के लिए तो मैं कोशिश करती हूँ मतलब शिव को जो भी पसंद आ रही है चीज़ें मैं लंच में ना वही बना लेती हूँ वो डोसा पहले नहीं खाता था बट डोसा भी वो अच्छे से खाने लग गया है देवाश को भी पसंद है मेरे हस्बैंड को भी पसंद है मुझे इतना मतलब डोसा तो पसंद नहीं है बट इन लोगों को सबको पसंद आ जाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है मतलब वो वाली चीज़ें बना के उनको खिलाना तो मैं कोशिश करती हूँ जो, जो भी चीज़ें उन लोगों को पसंद आ रही है वो बनाऊँ, थोड़ी मेहनत ही लग जाए थोड़ा टाइम लग जाता है इन सारी चीज़ों में तो बस यहाँ पे डोसा हो गया था सुबह में डोसे का नाश्ता तो यहाँ पे मैं पूजा करके मेरी सोमवार की जो भी पूजा होती है और जो भी मेरी सुबह की क्लीनिंग होती है सुबह की क्लीनिंग कर ली उसके बाद पूजा हो गई मेरी उसके बाद यहाँ पे किचन में आके दाल बना रही हूँ सिंपल सी दाल है मैं क्या कर, मतलब आ, मतलब दाल जो है ना काफ़ी तरह से आप बना सकते हो तो यहाँ पे मैं तुअर की दाल बना रही हूँ तो तड़का रेडी कर रही हूँ इसी मैं डायरेक्ट कुकर में ही बना दूँगी तो इसे क्या होता है ना आपका टाइम बच जाएगा तो यहाँ पे मैंने तड़के के लिए डाला है जीरा लहसुन और जीरा कूट के ली थी मैं वो डालने के बाद यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का अनियन बारीक कट के कट करके लिया हुआ था वो डाल दिया है चार पांच करी पत्ते डाल दिए और यहाँ पे जितना भी नमक मुझे मतलब दाल में लगेगा वो सारा नमक मैंने इसी स्टेज पे ऐड किया है ताकि अनियन भी जल्दी से फ्राई हो जाएगा और बाद में अनिय मतलब नमक डालने की साल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पे देख सकते हो आप तड़का रेडी है इसी इस स्टेज पे ना मैंने एक टोमेटो ऐड कर दिया था एकदम रेड वाला पका हुआ टमाटर लिया है मैंने क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है थोड़ा सा खट्टा टाइप का मतलब खट्टे टाइप की आपकी दाल बनती है अगर आप पका हुआ टमाटर, टमा टोमेटो लेते हैं तो तो बस यहाँ पे मैं तड़का रेडी कर रही हूँ दाल के लिए और तुअर की दाल जब तक मतलब मेरा तड़का रेडी हो जाएगा दाल का तब तक तुअर की दाल दाल जो है ना मैंने पानी में भिगो के रखी हुई है और बस यहाँ पे रूटीन के मसाले ऐड कर दूँगी मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया है मिर्च पाउडर और मैं मतलब दाल कौन सी भी दाल बनाऊँ उसे मुझे पसंद है सांभर मसाला तो मैं सांभर मसाला ज़रूर यूज़ करती हूँ आप भी ट्राई करना आप लोगों को भी पसंद आएगी दाल तो बस यहाँ पे मैंने सारे मसाले डालने के बाद यहाँ पे डाल दी है दाल मैंने लगभग एक कटोरी के करीब डाल ली थी तुअर की तो आप जो है ना आपके अकॉर्डिंग आपको मतलब टेस्ट में गाढ़ा पतला जैसे चाहिए दाल आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं इस, इस स्टेज पे तो बस फ्रेंड्स यहीं तक था मेरा आज का ये वीडियो होप करती हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा नए हैं चैनल को पे आप मेरे चैनल के पे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे रूटीन के वीडियो देखने के लिए तो मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में नए दिन के साथ में तब तक आप रखिए आपका ढेर सारा ख्याल बाय